गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। एंड गाइस, अभी सुबह ब्रेड गरम कर रहा हूँ क्योंकि जैम ब्रेड नाश्ता है मेरा आज। और एक चीज गाइस, सुबह पार्सल भी रिसीव्ड हुआ है, ये देखो इसमें है फोटो फ्रेम। करेंगे अनबॉक्स थोड़ा देर बाद, पहले नाश्ता कर लेते हैं। वाओ, मम्मी जी फूल तोड़ दिए पूजा के लिए, ये देखो अपराजिता फूल। तो गाइस ये है हमारा बगीचा, यहाँ पे फूल उल पूजा के लिए मम्मी के लिए, तो ऐसा फूल हर रोज मिल जाता है यहाँ से। तीन को फूल एक साथ है, इधर भी दो। मैं ब्रेड लेके घूम रहा हूँ, मम्मी का पूजा हो जाए उसके बाद मेरे को एक सब्जी भी बनाना है, तो ब्रेकफास्ट पहले। तो गाइस अब बनाते हैं सोयाबीन के सब्जी। सोयाबीन अभी तक तो पूरा पानी में सोख हो चुका है, बहुत हवा चल रहा है आज तो। इसको अनबॉक्स करेंगे, पहले वो बना लेते हैं सोयाबीन का सब्जी। ये देखो पूरी गया था, पूरी में बहुत सारा फोटो लिए थे अपन, वो फोटो के लिए ही फ्रेम्स वगैरह मंगाया है। देखते हैं उसमें होगा कि नहीं होगा, वो बाद में देखेंगे। तुम्हें देखे मेरी क्या है मेरे दिल, ये तो बस मुझको पता है। तो सोयाबीन को अच्छे से बुनाई कर रहा हूँ, और वो करने से क्या होता है मम्मी को पता है क्या होता है, ऐसे बुनाई भून के अगर बनाए सब्जी तो भून के बनाने से अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी होता है, तो इसीलिए मैं इन्हीं लोग से देख देख के सिखाऊं। तो देखते हैं कैसा बनेगा। वैसे आज प्याज लहसुन यूज नहीं होगा, तो मैं एक्सपेक्ट ज्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ कि अच्छा बने, लेकिन ट्राई करते हैं। तो गाइस मसाले के लिए अदरक मिर्ची और ये जा रहा है टमाटर। और काली मिर्च, थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि टमाटर है ऑलरेडी। अब होगा इसका पिसाई। और गाइस यहाँ पे मैं आलू को ऐसे छोटा छोटा करके काट लिया, और इधर कैप्सिकम भी ऐसे ही छोटा छोटा करके काट लिया। ये देखो मसाला भी पीस के तैयार, अब बनेगा यहाँ पे सोयाबीन कैप्सिकम का सब्जी। तुझे ना देखू तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा नहीं। तो गाइस आलू कैप्सिकम के बाद सीधा में मसाला इधर डाल दिया, अदरक का बहुत ही तगड़ा स्मेल आ रहा है, उसको फ्राई करके एकदम हटा देना है। धूप देखो भाई। और अब इसमें हल्दी गया और मीट मसाला डाल दिया, और टमाटर और पानी। तो गाइस थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल दूं, जिससे थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाएगा, पानी सूखने के बाद ये तैयार हो जाएगा। और गाइस मैं तो चेस भी खेल रहा हूँ, साथ में सब्जी भी बना रहा हूँ, तो इसी चक्कर में गाइस, इसी के चक्कर में थोड़ा जल गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो गाइस अब समय आ गया है ये बॉक्स को अनबॉक्स करने। ये देखो
पैकेजिंग देख रहे हो? धोती निकल गया। वाह मस्त क्वालिटी है। लकड़ी क्या है? भाई बहुत सही लग रहा है यार। कांच है क्या ऊपर में? इसका भी धोती खुलते हुए ब्लैक ब्लैक ना, सेम ही है सब। सेम है ना, प्रोफेशनल अनबॉक्सर। फाइबर है भाई, मस्त क्वालिटी का है। इसका फोटो कोई नहीं निकला। अब एक फोटो ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं कौन निकल के आएगा। ग्रुप बुला है सबको। ये देखो आ जाएगा शायद। हाँ आ जाएगा आराम से। ये कांच है क्या? नहीं नहीं फाइबर है, ये कांच है भाई। इसीलिए धोती पैकिंग किया। कांच है भाई, इसीलिए धोती को पैक किया। चलो हैं थोड़ा सा एडजस्ट करने हो गया। अरे छोटा हो रहा है क्या? काट के घुसाना पड़ेगा, जो काट के घुसाना पड़ेगा। थोड़ा छोटा कर दिया तो एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है। अब जाएगा ये इधर ऐसे और ये है ऐसे। हो सही लग रहा है। फोटो फ्रेम बहुत सही आया है दोस्तों, और इसमें एक फोटो डाल के भी देखा, बहुत सही लग रहा है। अब बाकी जितना भी फोटो है वो खाना खाने के बाद सब फिक्स कर देंगे। तो थोड़ा सा साइड साइड से छोटा करना पड़ रहा है, नहीं तो वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो मम्मी जी यहाँ पे खाना परोस रही है, और आज खाने में है दाल चावल और सोयाबीन आलू का सब्जी कैप्सिकम। ये भैया जी के लिए, अब मेरा परोस रही है मम्मी। मैं तो फोटो फ्रेम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा आएगा बोल के, और उसमें कांच ग्लास डाला है। नहीं तो ये सब जो मंगाया था ना, इसमें फाइबर लगा हुआ है, ग्लास नहीं है फाइबर है, और उसमें ग्लास दे दिया। तो मैं ये देख के चौंक गया भाई, बहुत सही है यार। कितना ही पड़ा होगा? 500 700 लिया था। 700 के अंडर 12 मिला। तुम देखो ना, देखेंगे चेक करेंगे। और ये रहा मेरा खाना, मैं अभी खा लेता हूँ, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ सारा फोटो लगा के ये जो दीवार है ना इसको सजाएंगे। तो गाइस लंच करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखो, मम्मी वहाँ पे वो साफ कर रही है, और जितना भी फोटो वगैरह ना यहाँ पे आ चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत फोटो जो था कम से कम 6-7 को फोटो के लिए फ्रेम नहीं था, तो वो नॉट हो फोटो है गाइस, वो उसका फ्रेम मंगवाना पड़ेगा फिर से। फ्रेम में डाल दिया हूँ बाकी सब। और अभी क्या कर रहा हूँ ये देखो, ये सब जो प्राइस वगैरह जो मिला था मेरे को स्कूल में, ये जो प्लास्टिक वगैरह आया ना इसमें मस्त पैक कर दे रहा हूँ। बहुत गंदा हो जाता है, मम्मी बोलती है ऐसा खुला रखता है तो भाई डस्ट बहुत आता है, धूल जम जाता है पूरा। मम्मी बोली पूरा प्लास्टिक पैक कर दो, कर देते हैं। तो ये देखो पैक हो चुका है, और ये सबसे चुटकू वाला, और भी बहुत सारा है दोस्तों, वो घर में है पड़ा हुआ, हम लोग इधर ज्यादा लाए ही नहीं। तो ये सब है, ये वाला वॉल है, इसको बनाने वाले हैं, सारा जो भी है इसको निकालते हैं और यहाँ पे पहले तो न्यूज़पेपर देंगे, और ये सब फोटो वहाँ पे टंग जाएगा, बस यही काम है। पूरा दोपहर बस यही किया, वैसे सही लग रहा है। और 7 को फोटो का फ्रेम नहीं बना है, वो भी बन जाता तो और पूरा भरा भरा सा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, उसको फिर से ऑर्डर करेंगे। टोटल रेट का अगर बात करूँ तो गाइस 555 का मिला, और मैं ऑनलाइन पे किया तो इतना का पड़ा, काफ़ी बढ़िया मिला है। अजीब दिख रहा था ये वॉल, कम से कम ये फोटो लगाने के बाद कुछ तो अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, फिर से मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, और जो जो फोटो बाकी है वो भी इधर आके लगा देंगे तो और भी सही लगेगा। ये सब फिर ये सब पूरा एकदम अजीब सा लग रहा है, सब साफ कर लेते हैं।
तो गाइस पूरा दिन उधर ही चला गया, मैं इधर ड्रॉ कर ही नहीं पाया। मैं अभी जा रहा हूँ फिलहाल नहाने, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया हमारा, अच्छा भी नहीं लग रहा है। इधर का विंडो बंद कर देता हूँ, मच्छर बहुत आता है यार। चाय पी लेते हैं, उसके पास सीधा जाएंगे नहा लेंगे। कल जितना मैं बना के रखा था उतना ही है। तो गाइस चाय पीने के बाद सीधा मैं नहा लिया, और भाई नहाने के बाद जो ही रिफ्रेशमेंट, वाह वाह वाह। मम्मी जी बना रही है रोटी, गर्मी के दिन आ गया, मम्मी को गर्मी में रोटी बनाना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे किचन पूरा गर्म से भर जाता है, इंडक्शन और तवा का जो हीट भाई, तो इसीलिए मम्मी रोटी बनाना नहीं चाहती है, क्या कर सकते हैं। खैर गाइस अभी पता नहीं क्या होगा, आज तो प्याज लहसुन यूज नहीं होगा, तो शायद आलू भुजिया बनेगा और रोटी बनेगा, और मैं चाय बना लूंगा अपने लिए, ये सब चाय पियेंगे। रोटी मम्मी बहुत स्पीड बनाती है, सट 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 सट। अभी देखो 2 मिनट बाद ये सब खत्म हो जाएगा, 2 मिनट बाद एक्सपीरियंस। तवा रोटी मम्मियों के सामने कोई नहीं टिक सकता, ठीक है। मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे। देखे आज का ब्लॉग। मम्मी बोल रहे रुको मैं देखूंगी। कोई बात नहीं, देखो ऑर्डर मिल गया आज का काम मेरे को, आलू भुजिया बनेगा तो आलू काटेंगे। भाई क्या ही लग रहा है वो जगह, कितना बेकार लग रहा था पहले। यहाँ पे बैग झूल रहा था, हेलमेट झूल रहा था, मिरर यहाँ पे था, कोई यूज ही नहीं करता। अभी तो बहुत सही लग रहा है। असल में ये जो वॉल है ना बहुत पुराना है, तो इसमें ना वो जो की नेल्स वगैरह जो है वो घुसता नहीं है, कांटी ये सब घुसता नहीं, इस टाइप का छोटा छोटा कांटी घुसेगा। कितना सारा गीरा फालतू का, अभी अच्छा लग रहा है ना। अब मेरा तो मन कर रहा था इसमें पूरा वॉल स्टिकर डाल दूं, लेकिन वॉल स्टिकर भी चिपकता नहीं है, इतना ज्यादा डस्ट है इसमें। लेकिन कोई बात नहीं, है तो अपना ही, जो मिला है उसी में खुश रहो, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। हम लोग का ऐसा ही है, चेंज करेंगे कोई बात नहीं, करेंगे बोलने ऊपर वाला जो कराएंगे तो करेंगे, अपना मर्जी से नहीं होगा, ऊपर वाला का मर्जी से होगा, इसीलिए तो नहीं तो कब का हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन भगवान का जब तक मर्जी नहीं होगा तब तक हम लोग कहीं नहीं जाने वाले यहीं पे। और गाइस यहाँ पे एक अलग ही मजा भी आता है, अब जब हम शिफ्ट होंगे ना ये घर को बहुत मिस करेंगे। ये तो बात है, रहने का तरीका अलग सिस्टम का है, इनको रात को भी दिन लगता है। ऐसा लगता समय थमसा गया, समय पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं चलता है। ये देखो भाई खाली हो गया, देखो कुछ और ही देखते हैं। किशोरी कुछ गाइस आलू देखो काट लिया, और चलो भुजिया बनाते हैं। अब बनाते हैं चाय। तो गाइस मैं डिनर कर लेता हूँ, सीधा जाता हूँ एडिट करने। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है, और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रॉ कर रहा था। अब देखो ये जो पेपर है, इस पेपर में मैं अगर पेंसिल कलर यूज करूँ तो डार्क एरिया जो ये मैं बना दिया हूँ ना ये नहीं छिपने वाला, और मैं थोड़ा सा इरेज किया, ये देखो कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है, पेपर जब तक ख़त्म ना होगा तब तक मेरे को ये इसी में यूज़ करना होगा, क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर पेंसिल कलर इसमें अच्छे से हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर वाटर कलर करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है आजकल, रात को भी मन कर रहा है कूलर वूलर लगा के सोऊं। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ सोने, थोड़ा बहुत एडिट करेंगे फिर सो जाएंगे, इसीलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।